अन्नदानम महादानम, ज्ञानदानम श्रेष्ठ दानम, रक्तदानम जीवन दानम, रक्तदान से जीवन मिलता है, श्रमदानम सफल दानम, श्रमदान करने से सफलता मिलती है, रक्तदान करने से जीवन मिलता है। यहाँ रक्तदान का भी ग्रुप आया हुआ है, हमारे कुलदीप भैया वो रक्तदान वाले हैं, जहाँ जरूरत होती है रक्तदान करने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा, जो भी क्षमता हो, कुछ ना हो तुम्हारे पास, तो प्रेम दान करना, बुद्धि दान करना, अच्छी सलाह का दान करना, श्रम दान करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना और समय दान करना, और हो सके तो आप धन दान भी करना, धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, भंडारा के लिए। जो दान देता है उसके घर में जितना दान दिया जाता है उसके 10 गुना बढ़ जाता है, कभी कमी नहीं लगती। मुसलमानों में एक फकीर हुई है औरत, जिसका नाम था राबिया, मुस्लिम फकीर। राबिया का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज मैं सुना देता हूं। राबिया एक नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल करके साधना भजन कर रही है। मुस्लिम फकीर है लेकिन साधु संत की सेवा भी करती है। सेवा करने वाले न मुसलमान देखते हैं, न हिंदू देखते हैं, न सिख देखते हैं, वो तो केवल इंसान देखते हैं। दो संत आकर के राबिया की कुटिया में रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम 24 घंटे के भूखे हैं, कुछ इंतजाम करो। राबिया ने 2 मोटी मोटी रोटी बनाया, जिसको रोटला कहते थे। संत खाने के लिए बैठ गए, राबिया परोसने के लिए चल देती है। उसी समय एक भूखा भिखारी आ जाता है और अपना पेट खोलकर दिखाता है कि 3 दिनों का भूखा हूँ। ये तो संत हैं, ये संतोष की रोटी भी खा सकते हैं, मैं भिखारी हूँ, मेरी भूख कौन तृप्त कर सकता है, ये फकीर राबिया तो मुझे खिला दे, ये संत तो बाद को खा लेंगे। राबिया ने वो 2 रोटी उठा करके भिखारी को दे दिया, भिखारी खाता और मुस्कराता चला गया। भिखारी भीख मांगता है लेकिन सबको सीख भी बांटता है। भिखारी भीख मांगते हुए आपको शिक्षा दे रहा है, भिक्षा के साथ साथ में भिक्षा ले रहा है, शिक्षा दे रहा है, भीख मांग रहा है, सीख बांट रहा है। क्या कहता है भिखारी कि मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं किया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, जिसके कारण मैं भिखारी बना हूँ, भीख मांगता घूम रहा हूँ। तुम ऐसी गलती सब मत करना, तुम दान पुण्य करना, अन्यथा तुम भी मेरे साथ अगले जन्म में कटोरा लेकर भीख मांगते मिलोगे, ऐसी वो शिक्षा बांट रहा है। भिखारियों को भी कभी कभी कुछ दे देना चाहिए, मंदिर में जाओ वहां भी कुछ दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना मनुष्य का धन, तन, मन, वाणी, ज्ञान, अन्न सब पवित्र नहीं होता है। जैसे मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, यहां के भक्तों के माध्यम से समागम रखा गया और ज्ञान दान के लिए मुझे